दीपेंद्र बढ़िया है अरविंद? दोनों बढ़िया है। पढ़ना कौन चाहिए, दीपेंद्र पढ़ना चाहिए अरविंद? देखो काम तो दीपेंद्र ने करवा रखे है, अच्छा, पर माहौल बराबर का चल रहा है अब। बराबर का, ये सारे दोनों का है, एक तरफा माहौल है। देखो इनकी सोच इनके पास है, हाँ। मेरी सोच मेरे पास है, वो तो चलो आपका अधिकार है, लोग बस जैसे जो चल रहा है ना वैसे चल रहा, बाकी जो माहौल है वो जन पर जन बढ़ता जा रहा है। किसके पक्ष में? बीजेपी के ना। बीजेपी में के खास कारण है, मुद्दे के हैं? मुद्दे ये ऊपर के हैं बस। ये राम मंदिर धारा 370 नहीं मारे हो क्या? ना 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 ना, इनका कोई नहीं है रोड़ा। भाई दीपेंद्र ने खूब काम करा रखे पहले, हाँ। बुराई तो उसकी है नहीं, हाँ। ठीक है, पर आज का ऊपर ऊपर की बात जो कर रहे ना, ऊपर मोदी वाका नहीं या, ये असली बात मोदी ये नुका है, ऊपर मोदी बढ़िया है, ये नुका है मोदी बढ़िया है। मोदी मोदी तो अपना कुर्सी के ऊपर बैठा है, को मोदी और पब्लिक की मतलब उसने के जाना दुख ना कोई के तो खो रहा पब्लिक ने, सांसद सुनेगा यहाँ पब्लिक को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पशुओं के लिए पानी नहीं मिलेगा, एक एक जमींदार खेती के ऊपर और इस पर पशुपालन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। मान लो जब घर में पानी नहीं आओगा तो पशु के आदमी के बाण को डाओगे के करेंगे? मोदी थोड़ा ही सुनेगा साहब, अरे तो अरविंद सुनेगा या दीपेंद्र सुनेगा? जो बनेगा वही सुनेगा, हाँ, तो मोदी तो दिल्ली रहेगा, जो बनेगा वही सुनेगा, हाँ जी। कलम तो ऊपर से चलती है, उसे नीचे है, यो नाज पाज जो मिल रहा है ये ऊपर से हो रहे है, हैं? वो तो यहाँ तो ये है भाई, जो जो सरकार यहाँ की होगी सीएम की, यहाँ ने तो वही संभालेगा, यहाँ का काम तो वो सीएम ही संभालेगा मोदी। रघुवीर का दाना जाए संभालन ना, यो नहीं। आज मैं उसी झज्जर जिले के ऐतिहासिक गांव डिगल में मौजूद हूं। डिगल गांव का झज्जर जिले की राजनीति में, रोहतक लोकसभा की राजनीति में बड़ा अहम रोल रहता है। डिगल के लोग तय करते हैं कि हरियाणा की राजनीति, खास तौर से रोहतक लोकसभा की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो आइए जनता का फैसला 2024 में डिगल के मतदाताओं से बात कर लेते हैं, यहाँ तकरीबन सभी मतदाता मौजूद हैं। राम राम साहब। राम राम। के वाहिब की ने, दीपेंद्र या अरविंद? दीपेंद्र भी है बस। अच्छा, अरविंद नाराज हो? नाराज कभी आया नहीं, नाराजगी के गांव में दिखे ही नहीं ना। तो कुछ है उम्मीद दीपेंद्र से? दीपेंद्र की सारी उम्मीद है भाई साहब। अच्छा, ठीक काम करेगा? बिल्कुल, पिछली बार तो धोखा हो गया था। कोई नहीं, धोखा ही कट जाएगा। अच्छा चलो, आपकी क्या राय साहब? यह है कदे आया गाँव माथे नहीं, और कोई काम नहीं हो रहा गाँव में। दीपेंद्र हर जिला में आवे, हर गांव में आवे है काम करवाने ताई। अरविंद नहीं आता? अरविंद कदे आख्या ही नहीं दिखे। अच्छा, यदि इतने आदमी बैठे की से तो पूछ लियो। चलो सब तो पूछेंगे, सब ना दिखे अरविंद कदे नहीं देखे जाओ। दीपेंद्र आवे है, हरियाणा काम करे है, गौशाला में भी आवे है, पैसे भी देखे जाए है चंदा के, और ये नहीं दिखे कभी भी। काम कुछ नहीं हुए ना, कोई काम नहीं हुआ। मजबूत है, कोई नहीं, कुछ काम नहीं होता, कोई भी है कुछ कोई ना जी, कोई काम नहीं होता। इनके सोची सोचा की भूपिंदर की। अच्छा, सब आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि हम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को बनावांगे। अच्छा, हाँ, आगे ताई की सोच ली, नए नए चला दिया अग्निवीर, सारी जो नौकरी थी वो ठेके प्रथा के ऊपर कर दी योगी, ऊपर तुम्हारा मोदी मोदी की आवाज है, नीचे जो बेरोजगार है वो अपने गट्ठे बिठाम थे, बेरोजगारी इतनी ज्यादा कर दी, अच्छे ज्यादा महंगाई देखो किस स्तर के ऊपर जा रही है आज का टाइम पे, इन्हें तो हर एक चीज गिरवी दे रख दी, बिजली बोर्ड देख लो, परिवहन देख लो, यो वाटर सप्लाई देख लो, और तोड़ दूर पीजीआई मेडिकल में भी देख लो, नहीं चल रही है, इनके ले ले हैं ठेके, ये अपने आदमियां ने पूरा भरते हैं, बाकी बेरोजगार युवा है अपना पाप बिड़ाम से हंड है। उम्मीद है, ये पूरी उम्मीद है। अच्छा, हाँ, बदलेगा दीपेंद्र? बदलेगा, जो ये आपने समस्या गिनाई है ये हल हो सके हैं? बिल्कुल हो सके हैं। चलो, उम्मीद है, और भाई नुका अगर उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्योंकि उम्मीद से ही सपने पूरे होते हैं, जिससे उम्मीद होती है उसी से भाई ये होता है कि ये आकर के हमारी इन सारी चीजों को सुनेगा। आपकी क्या राय साहब? ये राय है भाई, जो ये कभी दिखते नहीं। अच्छा, गम किधर, धर्म कितना भी कोई काम नहीं निकाल,
हम कई प्रोग्राम करा लिया आपके इस पार्षद ने भी, जब तो खूब आओ है ना, कोई नहीं बस आ जाए उनके आदमी इकट्ठे हो जाए। अच्छा, आम आदमी तो नहीं मिलता ना किसे नहीं, न्यू काम में जिस तरह पौड़ी में हम आगे घूमते घूमते न्यू नहीं आया कर चला, काम नहीं करना कोई, गौशाला में चंदा देना ना कोई, धर्म करना ना कोई भी नहीं निका। अच्छा, पार्षद का माए दे जब भी 5 मिनट आगे उल्टा चलिया गया कि हर आदमी तब कोई बात नहीं करी, कोई काम कुछ अलग से समस्या ना, कोई समस्या का कोई, एक भाई कोई काम हो कोई को हो आया जब भी कोई जिक्र नहीं करे। अच्छा, ठीक है साहब, ये सारे ठीक कह रहे जी के कोई बन जाओ, बात यह है काम तक मैं करते नहीं, दो चार ले जाकर करेगा तो कर दे, ना कर दे तो अपना पहले मन लगवा लिया हमने अपने बालक। अच्छा, हाँ कद लगवा लिए, कदे चौटाला का राज में लाग गए, कदे कांग्रेस का राज में लाग गए, पहले मैं फिट कर दिए, तो हमने बिना पर्ची खर्ची इतने आदमी लगा दिए, मारा तो एक बिना लग गया इसका राज में नहीं लग गया ना जी, भाई तो पूछा भाई बोल रहा है ना लग गया कोई आदमी, मेरा लड़का मतलब आज MAWC BEd मैट्रिक रखी है। अच्छा, 4 साल हो गए पढ़ाई पढ़ा हुई, वो कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी नहीं, हमने खूब दी है पर बिना पर्ची, देख लो हमने 16,000 कुछ भी नहीं, एक भी नहीं पूरे दे दी, ये खर्ची पर्ची एक नहीं है ना, जी अरविंद का नाम था दो आगे बैठा, एक तो सुचड़ी मुँह उसके के नाम से राम भूल गए हम के नाम का उसका रे मिठड़ा बैठा है दो जगह बाग इतनी हम था। हाँ, काम नाराज है कति चक्कर नाराज है, मतलब दीपेंद्र बढ़िया है अरविंद, हाँ साहब ठीक है दीपेंद्र बढ़िया है अरविंद ठीक सा साहब, अरविंद भी ठीक सा, दीपेंद्र भी बढ़िया हमारे लिए। अच्छा, दोनों तो आपका थोड़ा थोड़ा रुझान दे अरविंद के ना भी हो सके है, हो सके है। हाँ साहब, आपका भाई दीपेंद्र की कति दीपेंद्र ही वोट जाएंगे, तंत्र मंत्र दंत है, कति दीपेंद्र ही वोट सकती पक्का, कारण की दीपेंद्र है भाईचारा, तू जरा पकड़ ले तेरी गिल्ला होली, अरविंद का के करू कदे माना ना जाना ना काम में बुझ जाना, के तो कदे गए अरविंद तो मिलन गए हो काम में, लड़का आया रहता भी बात ना करे जब ही ना बैठता। अच्छा, दीपेंद्र की सब भाई वोट कती, अच्छा साहब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जिस तरह भाई दीपेंद्र मिल ले है, नुका है शरीफ है, कोई मिल लो दीपेंद्र तक जाके, कदे आप लोग अरविंद से भी मिलन गए हो, न्यू मिल लिया हो, अरे अरविंद का मैं एड्डी तो छोटी था ही, पूरा परिवार न जानू सू, सतगुरु दास इसके फादर थे, मैं सारे न जानू, लेकिन वो गांव में आओ है और दो चेहरा तो मिलकर सीधा निकल जाए है, आड़ पब्लिक मरो चाहे जीवो, ये वाटर सप्लाई की तंगी हो रही है, धांधलाने की वाटर सप्लाई, हमारा घर तक पानी नाम था, ये न्यू कहे कि भाई हमने घर घर जल पहुँचा दिया, 7 दिन में पानी आओगा और वो भी 20 मिनट छोड़ेंगे, 20 मिनट छोड़ेंगे घर में हैंडपंप ना होता, हमें पानी तीसी तीसी करावांगे, पानी तो पहली चीज है, पहली चीज है, देख लो टांगरा ने मनसा ने पानी बिना गर्मी में चली जीवन है, गर्मी में चली जीवन, डिग्गी भी सूखी पड़ी रहे, मतलब नहरा में भी सप्लाई नहीं करता, जो भाई पानी आ जाए डिग्गी भर जाए। अच्छा, कदे विधायक ते भी करी है समस्या, भाई न्यू पानी ना आता, विधायक को नहीं कही है, नहीं कही है। विधायक हमारा कौन है, यो था डॉक्टर रघुवीर, यो अपोजिशन में था, इस यो के कर रहे, यो एक बल्ले करता पड़ता, यो नुहा ठा गया, यो रामा के सिंह तक कर जाए बराबर है, वो तो उसका तक की समस्या खिलाएंगे, डिग्गी में पानी ना आता, ये फायदा करावांगे, बस करावांगे और बाकी कुछ नहीं, एक फुट पानी ने रामा मतलब छोड़ दिया, एक फुट के पानी हो जो तो कुछ भी ना हो, वो तो सप्लाई करेंगे एक मतलब खेतों में दिए। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये जो क्षेत्र है ये कृषि पर आधारित क्षेत्र है, यहाँ ज़्यादातर जमींदार परिवार हैं जो कृषि और पशुपालन पर आधारित हैं, समस्याएं बहुत हैं और अब समय भी है उन समस्याओं को गिनवाने का, ताकि उन राजनेताओं के कानों तक इनकी समस्या पहुंच सके जो इनके वोट के आधार पर आने वाले 5 साल में सांसद बनना चाहते हैं या विधायक बनना चाहते हैं, उन तक ये इंटरव्यू पहुँच सके, ऐसा हमारा प्रयास है। तो इस बार डीगल में बदलाव है या मुकाबला सा रहने वाला है, बदलाव है पूरा, एक तरफ है दीपेंद्र का है, मतलब एक तो मुकाबला सा हो जाएगा, अगर भाई 150 ऊपर नीचे, एक तरफ हम दीपेंद्र,
यहाँ एक धान लाने की वाटर सप्लाई है, उससे पानी आया करता। यहाँ एक पप्पल कुमार की दुकान है, वाल सिस्टम लगा दिया, एक बूस्टर बना दिया, बाल्मी काम है। वहां तो पानी चल रहा है भैंसो पांच पांच छह छह घंटे, आठ पांच दिन में होगा 20 मिनट तो ऊपर पानी नहीं। 20 मिनट में जिसके परिवार के सदस्य 12-13 हो, 20 मिनट पानी चाले उसमें वो कर लेगा, गुजारा नहीं होगा। आपकी दया दे चार चार पांच पांच पशु भी हैं, वो तो घर में हैंडपंप से उसका तान घर में गुजारा हो रहा है ना। हमने सुबह शाम ये दोनों टाइम आइए भाई बैठे आ रहे 30 रुपये अगर डेली के मटके भरवाओ, हाँ 900 रुपये पानी के दे। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है गांव में, जो कैंपरों से पानी सप्लाई होता है और 10 रुपये है उसका रेट 30 रुपये। वो मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड के कारण उसको मैं 2 मटके भरवाता हूँ, 1 20 लीटर की बाल्टी महीना में 900 रुपये देता हूँ उसको। सारा गांव मोल खरीद के पानी पीवे है, मोल खरीद गए है, अरे पशुआ ने भी पानी नहीं, अरे सब पानी मोल ले खरीद गए, मतलब सब, अरे पूरी पूरा गांव। ये एक बड़ी समस्या है कि गांव वासी भी पीने का पानी खरीद कर पीते हैं। ये बड़ी समस्या है कि गांव में ऐसा कहा जाता था कि भाई गांव के लोग शांति से रह सकते हैं, पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन जब गांव के लोग ही पानी खरीद कर पीते हैं तो सरकार के जो दावे हैं, विकास के दावे हैं, विकसित भारत, पानी खरीद के पीना पड़ा है गांव में, पीना ही पड़ा है। तो सप्लाई ना हुई अब तक, सप्लाई सही से ना होती, वो ये बताऊंगी मन्ने तो मालूम ना। आपके घर ना हो सप्लाई? हाँ डिग्गी का पानी, वो कैंपर नहीं खरीदते आप? 5 दिन में आओ है, 5 दिन में पीने का हम भी बाहर चले आओ, 3-4 किलोमीटर जाके दूर तक। समस्या तो है यार, समस्या है पीने की, तो पीने का पानी नहीं मिलता गांव में, ना नहीं मिलता जी, खरीदना पड़ा है, खरीद के लेना पड़ा है या हेडपंप से लाओ, लकड़िया से या दांदलन से, या इस साइड गौशाला के उस पर नहर के ऊपर जाओ वहाँ से लेना पड़ा है। गाँव में पीने का पानी है ही नहीं।